लेट्स लुक इन टू सम एलिमेंट डेट एस्टिमेल फाइव प्रोवाइड लाइक वी हैव सेक्शन एलिमेंट सेक्शन का एलिमेंट जो है ये हमारी डॉक्यूमेंट में किसी भी एक सेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू थ्री सी अ सेक्शन इज अ थीमेटिक ग्रुपिंग ऑफ कॉन्टेंट टिपिकली विदेडिंग हम uh, जो अपनी वेबसाइट है अपने वेब पेज के अंदर जितना भी हमारा कॉन्टेंट है उसको हम डिफरेंट सेक्शन में लाइक हेडर फोटर बॉडी हम उसके बाद उसके टॉप सेक्शन या बॉटम सेक्शन या राइट सेक्शन हम इसमें मल्टीपल सेक्शन में हम जिस तरह चाहें उसको डिफाइन कर सकते हैं और उसको डिवाइड कर सकते हैं इसी तरह हमारे पास एक और एलिमेंट है आर्टिकल का आर्टिकल का एलिमेंट जो है दिस इज वेरी सिमिलर टू अ सेक्शन एलिमेंट कि इसमें भी हम अपने जो कॉन्टेंट है उसके डिफरेंट सेक्शन को डिफाइन करते हैं बट जो इसमें डिफरेंस है आर्टिकल के केस में कि आर्टिकल का जितना भी एलिमेंट है इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पेज कि आपका जो आर्टिकल का एलिमेंट है इसका जो कंटेंट हो वो आपके अगर उस पर्टिकुलर पेज से निकाल के उसको सेपरेटली भी अगर आप उसको देखें तो वो अपने अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर कॉन्टेंट की रखता हो हम नॉर्मली आर्टिकल्स के एलिमेंट को यूज करते हैं टू डिफाइन जो डिफरेंट न्यूज एलिमेंट होते हैं एक न्यूज जो इंडिपेंडेंट अगर उस पेज के बाकी कॉन्टेंट से अलग भी कर ली जाए तो वो इंडिपेंडेंटली एक मीनिंग रखती है लाइक like हम इसी तरह से ब्लॉग पोस्ट या न्यूज पेपर के जो हमारे आर्टिकल्स हैं उसके केस में हम उसको यूज करते हैं लाइक like हम फोरम फोरम की जो डिफरेंट डिस्कशन हों उनकी डिफरेंट पोस्ट को भी हम यूज कर सकते हैं एज अ आर्टिकल के एलिमेंट के अंदर इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम सिमिलरली हम जिस तरह से नॉर्मल एस्टिमेट फॉर्म में करते हैं कि हम एक हेडिंग अपने पैराग्राफ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं हम उसको इनकेप्सुलेट कर सकते हैं आर्टिकल के एलिमेंट में टू डिफाइन इट एज एन आर्टिकल कि ये आर्टिकल सेपरेट और इंडिपेंडेंट एक एंटिटी है जो कि इस पेज से अलग भी की जा सकती है तो भी अपनी इन्फॉर्मेशन और जो मीनिंग है वो इसके कम नहीं होंगे इसी तरह हमारे पास हेडर का एलिमेंट है दैट वी यूज टू डिफाइन आइदर अ सेक्शन का uh, हेडर या फिर पूरी डॉक्यूमेंट जो है उसका हेडर हम हेडर के एलिमेंट को इज नॉट रिक्वायर्ड कि हम उसको हेडर डॉक्यूमेंट के हेडर के तौर पे ही यूज करें हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन इवन किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल के हेडर के अंदर के तौर पे भी उसको यूज कर सकते हैं इसकी हम एग्जाम्पल देखें तो हमने यहाँ पे आर्टिकल के एलिमेंट में हेडर को यूज किया है कि कौन सा पर्टिकुलर पार्ट part जो है वो सिर्फ इसकी हेडर इन्फॉर्मेशन है ताकि कोई भी जो पार्सर है वो इसको अगर चाहे तो इसको एज अ हेडर इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल यूज कर सके इसी तरह से फिर हमारे पास फुटर एलिमेंट है जो कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट या सेक्शन के फुटर के पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं इट कैन बी समथिंग लाइक दिस कि हमारे पास फुटर के अंदर जो है हम कोई भी कॉन्टेंट रखेंगे तो वो जो कॉन्टेंट है वो कंसिडर होगा रिलेटेड टू कि अगर वो डॉक्यूमेंट में है तो वो उस डॉक्यूमेंट का फोटो कंसिडर होगा एज अ कॉन्टेंट रिमेम्बर कि इसकी वजह से हमारे लेआउट पे डिफरेंस नहीं आएगा वो हमें सीएसएस से ही मॉडिफाई करना होगा ये जो फुटर की इन्फॉर्मेशन है ये डेवलपर को आइडेंटि ये चीज आसानी से समझने में देती है कि ये एक फुटर का पार्ट है और इसी तरीके से जो आपके पार्सर्स हैं वो इसको आसानी से पास कर सकते हैं और इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं दैट दैट इज ऑफ दिस इज अ फुटर ऑफ द डॉक्यूमेंट और आइदर अ सेक्शन इसी तरह हमारे पास नैप का एलिमेंट है जो कि हम यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए किसी भी नेविगेशन लिंक्स को इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ टॉप नेविगेशन लिंक्स ही हों या किसी कोई भी नेविगेशनल लिंक्स जो आप किसी भी जगह पे डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं उनको इनकेप्सुलेट करने के लिए यूज करते हैं कैन बी समथिंग लाइक दिस हमने एक नैफ का एलिमेंट है उसके अंदर हमने जितने भी हमारे नेविगेशनल लिंक्स थे मल्टीपल लिंक्स उनको हमने उसके अंदर जो है यूज किया है एक लिस्ट के फॉर्म में फिर हम इसको सीएसएस की मदद से डिफरेंट इसको लुक्स और डिफरेंट जो है इसके इंटरफेस को चेंज uh, कर सकते हैं एज रिक्वायर्ड फिर हमारे पास असाइट का एलिमेंट है असाइट का एलिमेंट जो है ये हम यूज करते हैं आ, किसी भी ऐसे कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए जो कि हमारी मेन बॉडी का पार्ट नहीं है बल्कि उसके राइट लेफ्ट किसी एक जगह पर हम उसको रखना चाहते हैं जो कि उसके साथ रिलेटेड रेले, है मगर डायरेक्टली उसका पार्ट नहीं है लाइक जिस तरह हम आ, एक आर्टिकल्स की पेज या ब्लॉग की साइट के ऊपर हम देखते हैं कि मेन कंटेंट होता है हमारा ब्लॉग का राइट पे उससे रिलेटेड ब्लॉग्स आ रहे होते हैं तो दैट कैन बी कंसिडर एज एन असाइड कॉन्टेंट और हम असाइड के जो है एलिमेंट uh, को यूज करते हैं ऐसे कॉन्टेंट को डिफाइन करने के लिए लाइक दिस कि हमने जो हमारा मेन कॉन्टेंट है वो सेपरेट रहता है और हमारे पास असाइड जो है इट कैन बी यूज फॉर अ साइड बार बट हम डिपेंड करता है हम इसको चाहें तो साइड बार की बजाय मेन कॉन्टेंट के पोर्शन में यूज कर सकते हैं बट द प्राइमरी पर्पज के असाइड का कॉन्टेंट जो है ये आपके मेन कॉन्टेंट से रिलेटेड है लेकिन उसका पार्ट नहीं है हमारे पास इसी तरह एसटीमल फाइव में फिगर या फिग कैप्शन का एलिमेंट्स मौजूद है फिगर uh, का जो एलिमेंट है ये इनकेप्सुलेट करता है कम्पलीट ग्राफिकल फिगर या ग्राफिकल इमेज या कोई इसी इलिस्ट्रेशन को जो कि आपके पेज में मौजूद हो और फिगर का कैप्शन जो है वो एक टिपिकल जो हमारा जिस तरह कैप्शन होता है कि जो कि हम कहते हैं हर इमेज के साथ हमारे हमने देखा है कि यूज होता है कि कैप्शन उस इमेज का वो फिगर कैप्शन से जो है फिग कैप्शन के एलिमेंट से डिफाइन होता है हम इसको अगर एग्जाम्पल को देखें यहां पे हमने स्टैंडर्ड हमारे पास एक इमेज का टैग है मौजूद इसमें हमने एक इमेज जो है उसको यूज किया है फिगर का जो प्राइमरी जो एलिमेंट है ये बेसिकली इंसैप्सुलेट करता है उस तमाम इन्फॉर्मेशन को जो कि उस इमेज या उस पर्टिकुलर ग्राफिक्स से रिलेटेड है लाइक like यहां पे पर उस, उसके अंदर ही उसने फिर कैप्शन डिफाइन किया है हम अगर चाहें तो यहां कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं या इमेज से ऊपर हो सकती है लेकिन दैट शुड बी रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इमेज जो हमने इस पर्टिकुलर जो इस फिगर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है हम अगर इसका आउटपुट देखेंगे इट शुड बी समथिंग लाइक दिस कि हमारे पास इमेज और उसकी जो कैप्शन है वो उसके साथ होगा एस्टिमल फाइव में हमें सेमेंटिक्स एलिमेंट्स क्यों दिए हैं एच टी में जब हम डिवेलपर्स uh, काम करते हैं तो जब वो डिफरेंट सेक्शन और डिफरेंट पार्ट जब डिफाइन कर रहे होते हैं एच टी एमएल की एक डॉक्यूमेंट के तो uh, इससे वेरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सी एस एस या आईडी की मदद से उनको डिफरेंट नाम देते हैं लाइक like हेडर का हेडर पोर्शन आर्टिकल इवन साइड बार हम बहुत सारे नाम यूज करते हैं रिमेंबर uh, कि जितने भी मल्टीपल ऑथर्स होते हैं जो एस राइट कर रहे हो वो हर कोई अपने अपने हिसाब से नाम को वेरी करता है सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि हम कोई एक पार्सर या किसी एक कॉमन चीज की मदद से ये चीज अंडरस्टैंड कर सकें उसको कि जो पर्टिकुलर कॉन्टेंट है इसका पर्पज क्या है एसटीमल uh, फाइव के जो सीमेंटिक्स एक्चुअली एलिमेंट्स हैं इनका प्राइमरी रीजन ही ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें बताते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉन्टेंट जो है उसका ले के अंदर और मीनिंग के अंदर उसका बेसिकली उसका पर्पज क्या है उसका मीनिंग क्या है वो एक फुटर का पार्ट है एक सेक्शन का फुटर है एक डॉक्यूमेंट का फुटर है यूज हेडर है उसका या उसका एक पर्टिकुलर सेक्शन है या सिर्फ एक आर्टिकल है या साइड एलिमेंट बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट uh, का पार्ट तो है लेकिन डायरेक्ट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मीन का हिस्सा नहीं है बल्कि सिर्फ उससे रिलेटेड है सो दी सेमेंटिक एलिमेंट्स जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनका पर्पज सिर्फ और सिर्फ यही बताना है ताकि पार्सल्स को इसको डॉक्यूमेंट्स को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो सके अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू हम अगर एक तमाम हमारे पास uh, जो HTML के पेजेस हैं वो अगर सिमेंटिक हो जाएं, सो इट कैन अलाउ डेटा टू बी शेयर्ड एंड री यूज अक्रॉस एप्लीकेशन एंटरप्राइजेज एंड कम्युनिटीज एसटीमल फाइव में हमने देखा कि हमारे पास मल्टीपल सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं, जो कि हमारे लुक्स को चेंज नहीं करते हमारे जो अपियरेंस होती है यूजर इंटरफेस को चेंज नहीं करते सिर्फ हमारे जो कॉन्टेंट है उसको स्ट्रक्चर करते हैं उसको मीनिंगफुल मीनिंग meaning देते हैं कि हम आसानी से जब हम एक ह्यूमन जो है वो अगर कोड को रीड करे तो वो अंडरस्टैंड कर सके सिमिलरली कोई पार्सर उसको रीड कर सके तो वो उस कॉन्टेंट को ईजिली पास कर सके और आइडेंटिफाई कर सके कि किस कॉन्टेंट का क्या पर्पज है